जी हाँ, अगर आपने नवरात्रि में ये नहीं बनाया तो क्या ही बनाया आपने। सबसे पहले सोक्ड बगर लेना है और इसे पका लेना है। फिर बाद में लेना है रोस्टेड पीनट, इसे क्रश करके इसमें डाल दो। और सोक्ड साबुदाना लेना है, इसे भी इसमें डाल दो। और बॉइल्ड आलू, इसे क्रश करके डाल दो। हरी मिर्च का पेस्ट, सेंधा नमक, सांबार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लो। और यार, मैं तो कड़ी पत्ता और जीरा डालना भूल गई थी, आप मत भूलना, इसलिए मैंने लास्ट में डाला था। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मनचाहा शेप देकर इसे डीप फ्राई कर लो या फिर शैलो फ्राई कर लो। मैंने तो शैलो फ्राई किया है। और जोर से बोलो जय माता दी, कमेंट में जरूर लिखना जय माता दी। एंजॉय करो और खाते पीते रहो, अच्छे लगते हो, और कमेंट में कहना टेस्टी टेस्टी। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।